पैरा ओलंपिक के रजत पदक विजेता निषाद कुमार ऊना में आरएसएस के शिविर के समापन अवसर में शामिल हुए। उन्होंने संघ द्वारा ऐसे शिक्षण शिविरों के माध्यम से देशभक्ति की भावना उत्पन्न कर नशे से दूर रहकर अच्छी शिक्षा दिए जाने की बात कहते हुए संघ की प्रशंसा भी की। वहीं संघ की ऊना इकाई ने राष्ट्रीय संतों द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग का खुलकर समर्थन भी किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊना में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के प्राथमिक वर्ग शिविर का समापन हुआ। इसके अनेक संघ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपने संचालकों द्वारा दिए गए संबोधन को सुना। 7 दिन तक चले इस शिविर में संघ कार्यकर्ताओं को देशभक्ति और अच्छे संस्कारों के प्रति प्रेरित किया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि इस शिविर के समापन में टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता निशांत कुमार भी मौजूद रहे। निषाद ने संघ की प्रशंसा करते हुए संघ के शिविरों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने और समाज की उन्नति व उत्थान के लिए अच्छे संस्कार उत्पन्न करने की बात भी कही। निषाद जी, आज आप इस शिविर में विशेष अतिथि थे, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर इस शिविर में, और ये पूरे हिमाचल में पूरे देश में चलाया जाता है ये शिविर, और ये पूरे युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं अच्छे काम की ओर प्रेरित करते हैं, नशे से दूर रहें, और इतना जोश है इनमें तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे शिविर में आकर, और देशभक्ति के बातें होती हैं ऐसे शिविर में। धन्यवाद। समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए संघ की ऊना इकाई ने देश के राष्ट्रीय संतों के द्वारा हाल ही में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि संघ के सभी संचालक आरंभ से ही भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। आज प्राथमिक शिक्षा वर्ग हमारा लगा था, 7 दिन का वर्ग, उसका समापन था, तो उसका आज समापन कार्यक्रम रहा है। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इसमें प्रताप जी हमारे विभाग प्रचारक मुख्य वक्ता थे, और निषाद जो पैरालंपिक में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो आज के मुख्य अतिथि थे। सर, हाल ही में एक बयान आया है जो आपके संघ के मोहन भागवत जी, उनका सर बयान आया था, क्या उसमें जो विचारधारा है संघ की, क्या उसमें कुछ परिवर्तन है? नहीं, संघ की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। संघ का जो शुरू से विचार था उसी विचार को लेके जो डॉक्टर हेडगेवार जी चले थे, आज भी वही विचार जो है देश के कोने कोने में फैल रहा है। वही विचार पिछले संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, विचार में कोई परिवर्तन नहीं। सर, राष्ट्रीय संतों ने भारत को पूरा हिंदू राष्ट्र घोषणा करने की मांग उठा रही है, तो क्या सर जो संघ है इसको सही मानता है? डॉक्टर हेडगेवार जी ने तो शुरू से कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, उन्होंने ठोक बजा के कहा था, तो हम भी मानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। अगर चीन चीनियों का देश है तो हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, तो मतलब जो उनकी मांग है बिल्कुल सही है, भारत हिंदू राष्ट्र है, मांग जो शुरू से सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है तो हिंदू राष्ट्र ही है, मतलब आप समर्थन करते हैं? हाँ जी।